को कितना संतोष होता है कि उन्होंने अपने प्रारंभ के एपिसोड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सेल्फी विद डॉटर का जिक्र किया और आज एक जन अभियान का रूप ले लिया और उसके कारण सभी को धन्यवाद। आज मन की बात की 100वीं एडिशन हो रही है, अभी हम सब साथ बैठ करके सुन रहे थे और आज मैं प्रीत विहार में हमारे MLA ओम प्रकाश शर्मा जी के साथ और लता जी के साथ बैठ करके और प्रीत विहार में जो प्रधानमंत्री जी को सम्मान मन में रखते हैं वो सब भाइयों बहनों सभी बैठे थे और सुन रहे थे। मन की बात में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इस देश में कोई जान पहचान वाले लोग नहीं, ऐसे भी व्यक्ति भारत देश के निर्माण के लिए काम करते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं, उनके गांव आसपास के गांवों के बेहतरी के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग अपने बारे में ना सोच करके काम करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी पहचान करके उस विषय को ऑल इंडिया रेडियो की मन की बात के द्वारा उठाते हैं। इसके कारण सच में भारत के निर्माण करने वाले हर नागरिक को पहचान हम सब कर पा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को 2014 से लेकर पद्मा अवार्ड्स भी मिल रही है। आम नागरिक का पद्मा अवार्ड हो गया है, इससे पहले पद्मा अवार्ड भी जिनको ऊपर राजनीति में वरिष्ठ लोग हैं उनसे ताल्लुक रखने में मिलता था, अभी ऐसे नहीं। आम नागरिक को पहचान और सम्मान हो रही है। इसमें दूसरे एक और बात, आजकल फोन के द्वारा सभी विषय सभी जगह पहुंचता है, मगर आज भी और जैसे पहले भी रेडियो का एक महत्व है। अपने आप आपके काम करते करते हुए आप रेडियो से बात सुन सकते हैं, उसमें भी ताकत है, उसको पुनर्निर्माण करने का काम भी मन के बात के द्वारा हुआ है। इसीलिए मन के बात डायरेक्टली भारत के जनता तक पहुंचता है, उनको उनके दिल को छूता है और जैसे आप अभी सुने बहुत सारे लोग जिनसे पहले इन 100 एपिसोड्स में एक ना एक एपिसोड में रेफरेंस हुआ उन सब का आज Z News.